हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अनियन पाउडर घर पे किस तरह से बनाना है वो बताऊंगी। ये बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है। ये देखिए, मैंने अनियन ली है, इसी इस तरह से काट लिया, लंबा लंबा काटा हुआ है। इसे इसी तरह से काट लें। जब आप अनियन काटें तो ये ध्यान रखें जो इसका ये व्हाइट पार्ट है इसे निकाल दें। जब आप इसे निकाल देंगे तो इसकी जो लेयर्स हैं वो एक एक अलग हो जाएंगी। इस तरह से इसे अलग कर दें जिससे ये सूखने में आसानी होगी। इस तरह से हम निकाल देंगे। इसे निकालने के बाद इसे मैंने ये एक स्टील की थाली ली है, इसके ऊपर रख दूंगी। इस पे फैला दें और इसे तेज धूप में रख दें, जो कड़ी धूप होती है उसमें रख दें। सिर्फ दो दिन लगेंगे, दो दिन में यह अच्छे से सूख जाएगी। ये डिपेंड करता है कि धूप अगर ज़्यादा तेज़ है तो एक ही दिन में सूख जाएगी, वरना दो दिन में तो बहुत आराम से ये सूख जाती है। अगर आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े में भी फैला के इसे सुखा सकते हैं। फिर जब ये सूख जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये इस तरह से हो जाएगी। सूखने के बाद इतनी क्रिस्पी सी रहेगी। आप इसे इसी तरह से कर लें और फिर इसे हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। देखिए, मैंने ये एक ग्राइंडर लिया है, इसमें अच्छे से इसे डाल के हम पहले पाउडर बना लेते हैं। अच्छे से पाउडर बना लेंगे। पाउडर मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया। देखिए कितनी आसानी से ये तैयार हो गया, इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। इसका जो यूज़ है उसे फ्राइड चिकन में, मसालों में, काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। आप लोग ज़रूर इसे बना के रखिए। देखिए फ्रेंड्स, अनियन पाउडर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितनी आसानी से और कितनी जल्दी तैयार हो गया है आप देखें। बहुत ही अच्छा बना है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हर एक डिश में जिसमें भी ये यूज़ होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर बना के रख लें और देखते रहें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंजॉय करें शिवाज किचन की रेसिपीज़। थैंक यू।